हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्मार्ट क्लासेस के अंदर। सबसे पहले गाइज, आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि जो आज अपना वीडियो है वाईफाई स्टडी का, वो अपने पूरे देश में नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, शायद ही कभी ऐसा एजुकेशन के अंदर हुआ होगा कि कोई वीडियो नंबर वन के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। बात बड़ी ये नहीं है कि वाईफाई स्टडी का वीडियो नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है, बात बड़ी ये है कि कोई एजुकेशन का वीडियो है जो कि नंबर वन पे यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, और ये सभी आप लोगों की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों की वजह से ऐसा हुआ है कि अपना एजुकेशन भी आजकल ट्रेंडिंग के अंदर तो आता ही है, लेकिन नंबर वन के ऊपर भी आता है, जो कि कभी ऐसा होता नहीं था। अक्सर जो एंटरटेनमेंट सेक्शन है और ये सभी नंबर वन पे आते हैं। एजुकेशन का आ गया, इसका मतलब देश काफी आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी को मालूम है कि सुबह 8 बजे अपनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो कि सुबह होती है डेली करंट अफेयर की, जिसके अंदर हम जीके के साथ में करंट अफेयर को इंप्रूव करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले 10 वर्ड को कवर अप करेंगे, उसके बाद में चलेंगे आज के अपने इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो मारियो गोमेज का दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्त हुए वे किस टीम से संबंधित है। तो मारियो की बात करें तो काफी फेमस प्लेयर रहे हैं, कहाँ के? जर्मनी के। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। इंडिया ने की अंडर 20 टीम ने फुटबॉल मैच जीता है कौन सी टीम के खिलाफ, कौन सी टीम के खिलाफ मैच जीता है ये आपको बताना था। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो किसके खिलाफ, अर्जेंटीना के खिलाफ भारत ने मैच जीता है। अगला सवाल है, चेयरमैन बताने हैं आपको ट्राई के कौन है। तो ट्राई के चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को मालूम है कौन, शर्मा जी, राम सेवक शर्मा जी को ट्राई के चेयरमैन अभी राइट नाउ अपॉइंटेड है। अगला है आपका कि अभी इंडियन मैन हॉकी टीम ने जंप किया है 1 स्पॉट और वो 5वें नंबर पे पहुंची है, लेकिन आपको नंबर वन वाली टीम बतानी है। तो नंबर वन पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, हॉकी के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया काफी आगे है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको यहां पे बतानी थी कि नंबर वन स्पॉट पे कौन है एटीपी रैंकिंग 2018 के अंदर। तो एटीपी रैंकिंग 2018 की बात करें तो यहां पे राफेल नडाल है जो कि नंबर वन पे है। ठीक है, आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे की तरफ। छठा क्वेश्चन था कि ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस कहां पे लॉन्च करी गई है। तो यहां पे बेंगलुरु इसका बिल्कुल सही आंसर है, हेली टैक्सी नाम से था, इसका मतलब हेली टैक्सी नाम से है। चलते हैं आगे की तरफ। पार्ट टाइम डायरेक्टर आरबीआई बोर्ड के कौन अपॉइंट करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पे बात करें, पार्ट टाइम जो डायरेक्टर अपॉइंट करे गए हैं वो कौन है, गुरु मूर्ति जी। इसके बारे में ठीक है आपको पता होना चाहिए, कई बार बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट कौन है अभी। तो अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें तो रविंदर भट्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH रैंकिंग में किस स्थान पर है। तो ये आप सभी को मालूम है कि ये 5th स्थान के ऊपर है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा आपको बताना है D&D 2.0 और MyCall कौन से प्लेटफॉर्म पे सिंक करे गए हैं ट्राई के द्वारा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या था, उमंग था। तो गाइज, ये थे आज के 10 आपके कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और सबसे पहले चलते हैं कोड ऑफ द डे की तरफ। समटाइम यू विन, समटाइम यू लर्न। तो देखिए, समटाइम यू विन, कई बार आप जीतते हैं, और अगर आप जीतते नहीं है तो आप सीखते हैं, लेकिन जो ये हारने की जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये कभी जीवन में नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि जो कोशिश करते हैं ना, सबसे पहले तो वही जीतते हैं, और कोशिश करने के बाद अगर आप हारते भी है ना, तो आप जीवन में इतनी चीजें सीखते हैं जो कि आज नहीं तो कल आपके लाइफ में बहुत काम आती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर कभी भी है ना, यहां पर कभी भी लूज नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे कभी भी ठीक है लूज नहीं आएगा कि आप कोई भी चीज को लूज नहीं करोगे, लॉस नहीं करोगे। ठीक है, कभी भी किसी चीज को खोगे नहीं। सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी एक लाइन है जो कि है लर्न की, तो आप या तो जीतोगे या फिर सीखोगे। ओके, कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, कोई भी चीज आप कभी हारोगे नहीं, लूज नहीं करोगे, लॉस नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है लाइफ के अंदर, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, और उम्मीद कर रहा हूं कि अपने वाईफाई स्टडी फैमिली में से बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा। आपने देखा है कि कल का पहला जो 9 अगस्त को पेपर हुआ है अपने रेलवे के अंदर, उसमें मैक्सिमम 90 या 95% जो क्वेश्चन है वो अपने ही करंट अफेयर या जो क्रैश कोर्स था उसी में से आए हैं। तो आपका जो SSC का एग्जाम होगा, बैंकिंग होगा, UPSC होगा, उसी में भी आपको क्वेश्चन यहीं से ही
ही देखने को मिलेंगे। अभी 5 तारीख को आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी सारे क्वेश्चन थे। तो चाहे पीएससी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी, चाहे आपका यूजीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका केंद्रीय विद्यालय हो, सभी के अंदर आपको देखने को मिला है, क्योंकि हम अपन किसके ऊपर करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। चलते हैं गाइस, यहां पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेज की, आज फर्स्ट पेज पे क्या है, तो सबसे पहले तो अपोजिशन फिर से हार गया है, कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली है। कहां पे? राज्यसभा के अंदर, क्योंकि वहां पे तो डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है, जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के अंदर, वो वापस से एनडीए सरकार के बन गए हैं। बैटल थी एनडीए के बीच में और यूपीए के बीच में। यूपीए तो गठबंधन है किसका? कांग्रेस प्लस अदर पार्टीज का, और एनडीए किसका है? बीजेपी प्लस अदर्स का। तो यहाँ पे ये बैटल हार गया, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट वो है, टॉपिक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बहुत जो प्रपोजल है ना लोढ़ा कमेटी के, आपको पता है कि बीसीसीआई में बदलाव लेने को लेकर लोढ़ा कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्हीं के प्रपोजल इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रखे थे। तो यहाँ पे छोटे मोटे कुछ बदलाव करे हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिपल तलाक के अंदर भी थोड़े बहुत बदलाव करे। पहले यह था कि एंटीसिपेटरी बेल जो है ना वो नहीं मिलती थी ट्रायल से पहले, लेकिन अब ट्रायल से पहले भी बेल मिल जाएगी। तो ऐसे करके छोटे मोटे बदलाव करें, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा नीलगिरी के अंदर 27 रिसोर्ट को बंद किया जाएगा। केरला के अंदर 22 लोगों की डेथ हो गई है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बसेस जो है वो सही तरीके से एक्सीडेंट भी नहीं चल पा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीजें हैं, और ये भी कोई बेसिक सी न्यूज है, कोई खास ऐसी नहीं है। तो हम बात करते हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अपोजिशन लूजेस द बैटल फॉर राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन। सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश करिए कि डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन होते कैसे हैं, ठीक है। देखिए, जो चेयरमैन होता है ना उसके इलेक्शन जो होते हैं, मतलब जो मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इनके इलेक्शन के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सबका ही क्या होता है, वोटिंग होती है इनके अंदर। लेकिन यहां पे क्या है, जब डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं, डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं, तब यहां पे चीजें बदल जाती है। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही क्या करती है, इसके अंदर वोटिंग करती है। और यहां पे जो जेडीयू के जो लीडर है हरिवंश जी, उन्होंने हराया है कांग्रेस के जो नॉमिनेट थे हरिप्रसाद जी को। 125 वोट मिले किसको? हरिवंश जी को। और साथ में 101 वोट मिले जो कांग्रेस के थे हरिप्रसाद जी उनको। ओके, तो ये यहाँ पे इन्होंने जीत लिए, तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। साथ में आपको ये भी पता रखना है कि डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शन होते हैं उसमें राज्यसभा के ही के जो इलेक्टेड लोग हैं वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे की तरफ, पेज नंबर 3 की तरफ बात करें, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे उड़ीसा को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि उड़ीसा में क्या हुआ है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं अगर आप प्लास्टिक को, बॉटल्स को वापस करते हो तो। आपको पता है ऐसा ही इनिशिएटिव महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था, और अभी उड़ीसा भी उसी की तर्ज पे कर रहा है। तो चेयरमैनशिप जो है चीफ सेक्रेटरी की, उनके अंडर के अंदर डिस्कशन किया गया है कि अगर आप क्या करोगे, प्लास्टिक की बॉटल वापस दोगे तो आपको कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। और 15 सितंबर से पूरी तरीके से पॉलिथीन को बैन किया ही जा रहा है, तो पूरे देश के अंदर तो बैन कर रहे हैं, हर स्टेट बैन कर रहा है पॉलिथीन को। लेकिन कई ऐसा होता है कि जितना बैन करते हैं उतना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है चीज़ों को। तो यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि अगर बॉटल में पैसे देंगे तो लोग वापस से प्लास्टिक दे देंगे, वरना तो आपको पता है ये लोगों को फेंकनी है बॉटल, तो वही है। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो इन्वायरमेंट को लेकर काम करते हैं ना, वो होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके तहत हम क्या करते हैं, बैन करते हैं उन चीज़ों को जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा चलते हैं आगे की तरफ, पेज नंबर 10 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रही है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइड में, ये वाली, ठीक है, क्या है देख लेते हैं। एक्चुअली के अंदर क्या है कि अभी एक नया बिल पास किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। राज्यसभा के अंदर बिल पास हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल क्या है इसके अंदर। इसके साथ में एक और बिल को पास किया गया है जो कि होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास करे गए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल के अंदर क्या है कि एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बातचीत करी गई है, कहां पे, मणिपुर के अंदर। इसीलिए इसको पास किया गया है। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं
कि कहां कौन से राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बातचीत है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये मणिपुर में है ताकि एजुकेशन को स्पोर्ट्स में प्रमोशन मिल सके, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कोचिंग आगे बढ़ सके और अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आगे बढ़ सके। साथ में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल की बिल की बात करूं तो ये तो एक रिप्लेसमेंट है कुल मिला के, पहले हुआ करता था सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, तो उसी के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बढ़ा के थोड़े से काम को इधर उधर करके इसको चेंज किया गया है। ओके, इसके अलावा पेज नंबर 11 की बात करें, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है ये वाली अपॉइंटमेंट को लेकर है। अपॉइंटमेंट किसका? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है NCW, तो इनकी जो चेयरमैन है वो रेखा शर्मा जी को बनाया गया है। ठीक है, तो रेखा शर्मा जी को बनाया गया है यहाँ पे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में UPSC में सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 13 पे चले तो यहाँ पे भी एक न्यूज है जो कि UAE को लेकर है। देखिए होता क्या है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पैसा आता ना, देखिए सबसे सिंपल सी बात क्या है, दो तीन सवाल यहाँ पे बनते हैं पेपर में। पहला तो ये कि कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा पैसे हमारे देश के अंदर आता है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिस देश में सबसे ज्यादा विदेश से पैसा आता है, जिसको अपन रेमिटेंस बोलते हैं, रेमिटेंस मनी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपने लोग क्या जाते हैं, विदेश में जाते हैं नौकरी करने, वहां से पैसे कमाते हैं और अपने देश घर में भेजते हैं, वैसे ही दुनिया के हर कंट्री के लोग करते हैं। अपने इंडियंस तो आपको पता ही है कि अगर उनकी बस चले तो अगर उनको $1,000 मिल रहा है ना, तो $999 तो वो घर पे भेज दें और $1 में वहां पे काम चला लें। ठीक है, मतलब अपने इंडियंस की थोड़ी मेंटालिटी ऐसी होती है। इसके अलावा अपने इंडियंस की नहीं, पूरे एशियन जो कंट्रीज है उन्हीं का ये हाल है। तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो पैसा आता है ना वो अपने देश के अंदर आता है विदेश से, पहली बात। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट ऐड किया। पूरी दुनिया में चाइनीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, विदेशों के अंदर भी वैसे भी, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा है ना वो अपने भारतीय लोग भेजते हैं विदेश से अपने घर के ऊपर। ठीक है, अपने यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर भी होता है कि थोड़ा सा विदेश में जाके ज्यादा पैसे भेज के थोड़ा सा टशन दिखाना कि देखो हम वहाँ पे कितना अर्न कर रहे हैं, भले आप वहाँ पे टैक्सी क्यों ना चला रहे हो। ओके, तो ये थोड़ा सा अपने यहाँ पे होता ही है। इसके अलावा बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि चलो ठीक है हमारे देश में पैसा तो आ रहा है, लेकिन कौन से देश से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, UAE आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, UAE से सबसे ज्यादा पैसा है जो कि हमें 2016-17 के अंदर मिला है, ये RBI ने कहा है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आया है, ठीक है, अगर सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, केरला आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। केरला में सबसे ज्यादा पैसा आया है अब्रॉड से, ये RBI ने 2016-17 के जो शेयर है, ठीक है, वो बताए हैं। UAE के बाद में सेकंड नंबर पे जो पैसा आया है वो US से आया है, इसके बाद में सऊदी अरेबिया से आया है, फिर कतर है, फिर कुवैत है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा डाटा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर का एक नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा केरला के बाद में बात करें तो महाराष्ट्र है, उसके बाद में कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, इन सारे राज्यों के अंदर पैसा आया है। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी एक और न्यूज है, पेज नंबर 18 के ऊपर, इंडियन टेलीस्कोप स्पोर्ट्स डिस्टेंस गैलेक्सी। तो अपने इंडिया का वो है टेलीस्कोप है जिसने स्पॉट किया है सबसे दूर तक का गैलेक्सी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने इंडियन टेलीस्कोप को यूज किया है और डिस्कवर किया है सबसे दूर की रेडियो गैलेक्सी। ठीक है, जो कि 12 बिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस के ऊपर है, समझ गए। जिस टाइम पे 7% हमारा जो होता था ना यूनिवर्स, जिस एज के टाइम पे, तो इतना पुराना और इतना दूर का हमने गैलेक्सी को पता किया है और इसका नाम है GMTRT। आपसे पूछ सकते हैं कि GMRT ने अभी रिसेंटली क्या डिस्कवर किया है या GMRT कौन से देश का से बिलोंग करता है। ओके, तो इसको बोलते हैं अपन, ये है एक तरीके का मतलब जाइंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, इसका नाम है जाइंट, ठीक है, मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप। पुणे में इसको बनाया गया था, 30 इसके अंदर क्या काफी ज्यादा 30 रेडियो टेलीस्कोप है जो कि 45 मीटर डायमीटर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा टेलीस्कोप है और इसको नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है वो इसको ऑपरेट करता है। तो इसने काफी दूर तक का जिमनी नॉर्थ टेलीस्कोप हवाई में है, लार्ज बायनोकुलर टेलीस्कोप जो एरिजोना में भी लगाए गए हैं। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेटी और दूर तक का इसने बताया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इसके अलावा CNN से एक न्यूज है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में चेहरे की पहचान करने के लिए एक क्या लगाया जाएगा, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी जाएगी। आपसे पूछ सकते हैं कौन से ओलंपिक के अंदर यूज की जा रही है चेहरे को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, तो ये आपको टोक्यो ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है कि 3 लाख जो इंडिविजुअल्स है, एथलीट, ऑफिशियल, स्टाफ, ये सारे इतने ज्यादा हो जाते हैं 3 लाख के आसपास, ओके, जो कि अटेंड करेंगे इस गेम को। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ओलंपिक की, तो समर ओलंपिक 2020 का आपको पता ही है टोक्यो में होने वाला है। मैस्कॉट जो है वो ओलंपिक 2020 का क्या है, मैरिया टोवा है। पैरा ओलंपिक का जो है वो सोमैटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2024 का तो वो पेरिस है, 2022 का जो विंटर ओलंपिक है वो बीजिंग है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2024 का जो समर ओलंपिक है वो तो पेरिस है, और 2022 में विंटर ओलंपिक होगा जो कि बीजिंग के अंदर होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में सवाल आ सकता है। इसके अलावा गुरुमूर्ति जी को, सतीश मराठे जी को पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है RBI बोर्ड के द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कल दे ही दिया था, ठीक है ना, मैं पहले से भी ये न्यूज आ गई थी इसलिए मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन दे दिया। तो सतीश जी और गुरुमूर्ति जी दोनों आपको ध्यान रखना है, ओके। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 4 साल का इनका टेन्योर होगा, टर्म जो होगा वो 4 साल का होगा। इसके अलावा RBI की बात करें तो अर्जित पटेल आपको पता है 24वें गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है, कनुनगो हो गए, विश्वनाथन जी हो गए, आचार्य जी हो गए और महेश कुमार जैन हो गए। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई है, लोकल बोर्ड्स मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं। बैंकिंग के अंदर सवाल आएगा, ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है कि SBI ने लॉन्च किया है यूनिफाइड पेमेंट टर्मिनल, क्या नाम है, मोपैड इसका नाम है। तो आपसे पूछते हैं कि बताइए मोपैड जो पेमेंट टर्मिनल है वो कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। द बैंकर टू एवरी इंडियन विथ यू ऑल द वे, 3 तरीके की इसकी टैगलाइन है जो कि फेमस है, द बैंकर टू एवरी इंडियन विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो इस तरीके के ये सब भी आपको बातें ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्पेशल असिस्टेंस 500 करोड़ रुपए का OBC कम्युनिटी को, तो AIR ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है, ओके। तो यूथ के अंदर अपॉर्चुनिटीज बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इस चीज को लेकर ये 500 करोड़ रुपए ग्रांट करे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो महाराष्ट्र के पेपर है ना वहां पे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं अगर आप उन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलते हैं आगे की तरफ, महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। मुंबई कैपिटल है, देवेंद्र फडणवीस CM है, गवर्नर राव है, विद्यासागर, टैगलाइन अनलिमिटेड है। डैम की बात करें तो कोयना बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा के ट्रिब्यूटरी पर है, कोयना रिवर भी है और कोयना डैम बना हुआ है। जायकवाड़ी गोदावरी पे, ईसापुर डैम है पैनगंगा पे जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रेंस भील, गौंड, माडिया, कटकारी, कोली, वर्ली, डैंस, लवानी, डांगरी, डिंडी, काला, ये सारे के सारे यहाँ पे फेमस है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे काफी इंपॉर्टेंट डे है, अगर आपका कोई सेप्टेम्बर अक्टूबर में पेपर हो रहा है तो बायोफ्यूल दिवस के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। तो 10 अगस्त को ये मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ताकि देश में अवेयरनेस बढ़ सके नॉन बायोफ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं पुराने वाले एनर्जी के। देखिए 2 तरीके की होती है, एक तो होती है कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज। कन्वेंशनल की बात करें तो ये होता है आपके कोल हो गया और आपके क्रूड ऑयल हो गया जो कि हमारे पास में लिमिटेड है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, जैसे कि सोलर है, विंड है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियर है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा फ्यूचर के लिए बड़ा हिसाब से आप उसको काम में ले सकते हैं, जो बार बार आप काम में ले सकते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगस्त में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि 6 अगस्त को अपन हिरोशिमा डे मनाते हैं, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है, 9 अगस्त को नागासाकी है, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफ डे है और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है, समझ गए, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और 29 अगस्त को बर्थडे थे किसका, अपने मेजर ध्यानचंद जी का, ओके, इसी के उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है PIB के अंदर, इसलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर है। देखिए कंचनजुंगा के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि एक तो पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, सिक्किम के अंदर लोकेटेड है, 3rd हाईएस्ट पीक भी है कंचनजुंगा नाम से, उसी के पास में नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है,
ओके, और ये 11वां बायोस्फीयर रिजर्व था हमारे देश के अंदर, टोटल अभी 18 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और देश के वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम में से है, देश में नहीं इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर कोर जोन है जो कि नेशनल पार्क है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रिकॉग्नाइज किया गया है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर 2016 के अंदर, ठीक है। 37 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, तो उसमें से एक मिक्स कैटेगरी की भी है, एक तो टेंजेबल है, एक इंटेंजेबल, एक कल्चर है, एक इंटेंजेबल है और एक मिक्सड है। ओके, कल्चर हो गई, एक नेचुरल हो गई और एक मिक्स हो गई, इस तरीके से तीन कैटेगरी है जिसमें से मिक्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा एक और पीआईबी की न्यूज है कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है सरूज प्रभु, उन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, निर्यात मित्रा नाम की एप्लीकेशन लॉन्च करी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछ सकते हैं। ओके, और ये क्या करेगी, काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी, किस चीज को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, पॉलिसी को लेकर, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, जीएसटी को लेकर, समझ गया, इन सारी चीजों को लेकर इसको बनाया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अब आते हैं अपन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के ऊपर, समझिए 1909 को बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। पेपर में पूछते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कौन से साल इंप्लीमेंट हुए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को क्या बोलते हैं, तो इसमें पहली बार अटेम्प्ट किया गया था क्या, डायरेक्ट इलेक्शन, किसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ओके, नाम चेंज करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्या कर दिया गया, इंपीरियल कर दिया गया, मेंबर बढ़ा दिए गए, साथ में रिप्रेजेंटेशन जो है मुस्लिम्स का वो इंट्रोड्यूस कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसको अपन बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट यानी कि कम्युनियल रिप्रेजेंटेशन, आप अपने सांप्रदाय के हिसाब से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम इंडियन जो है वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड हुए थे, जैसे कि सत्येंद्र प्रसाद जो थे वो लॉ मिनिस्टर बने थे। तो ये जो पेज है आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसमें जो रिफॉर्म्स है वो पेपर में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो चार जो पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे की तरफ, फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी की बात करें तो दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम हमारे देश का तो लिखा ही है, लेकिन साथ में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है। ओके, तो दो देशों का नेशनल एंथम लिखने वाले एकमात्र पर्सन है, जनगणमन हमारा तो है ही है, लेकिन साथ में जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने लिखा है। ओके, साथ में नाइटहुड का जो किताब है वो भी इन्होंने लौटा दिया था जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछते रहते हैं। साथ में आज आपको मैं लेके चल रहा हूं गोवा, ठीक है, गोवा के स्टैटिक जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल सिटी है पानाजी, चीफ मिनिस्टर मनोहर परिकर, गवर्नर है मृदुला सिन्हा। ओके, ये सब तो आपको पता ही है, बेसिक सी बातें हैं। कोंकणी लैंग्वेज बड़ी फेमस है, दो ही डिस्ट्रिक्ट है साउथ और नॉर्थ। स्टेट फ्लावर है रेड जैस्मिन, स्टेट फिश है यहाँ पे ग्रे मिलेट, स्टेट एनिमल है गौर। इसके अलावा स्टेट बर्ड जो है वो कौन सा है, पीला बुलबुल है, येलो बुलबुल। स्टेट गेम कुछ भी नहीं है। साथ में राज्य ट्री की बात करें तो कोकोनट पाम वहाँ पे राज्य है। फेस्टिवल की ये बात करें तो बॉर्डरम, क्रिसमस, गोवा, अंगूर फेस्टिवल, सनबर्न संगीत, सनबर्न तो पता ही होगा, सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो ये सब आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो आता है ना, वैसे इसमें से क्वेश्चन आता है बॉर्डरम का बस। एयरपोर्ट की बात करें तो डाबोलिम एयरपोर्ट है, डाबोलिम के अंदर ही नेशनल पार्क है यहाँ पे भगवान महावीर, पेपर में बहुत बार आता है। तो यहाँ पे भगवान महावीर जो मोलम नेशनल पार्क है वो बहुत फेमस है, ठीक है। भगवान महावीर सेंचुरी भी है जो कि पेपर में आता है, अक्सर लोगों को लगता है कि कोई और होगा भगवान महावीर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ अभ्यारण और सलीम अली, ये दोनों के दोनों गोवा के अंदर है। सलीम अली नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो वो तो है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अगर सलीम अली अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे, माफ कीजिएगा बर्ड सेंचुरी पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा, गोवा होगा। कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे गलत करते हैं। फोर्ट है यहाँ पे चापोरा, काबोडे, ठीक है, मैकगॉस फोर्ट है, ये सारे के सारे आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉन्यूमेंट्स में बॉम जीसस, बेसिलिका है, कैथेड्रल है, चर्च ऑफ आर लेडी है मिराकल्स की, ये तीनों चर्च इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। रिवर मंडोवी है, तारिकोल है, लेक्स में मायम है और कैराबोलिम लेक भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो गाइज ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हमने डिस्कस किया।
उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, सारी चीजें हमने अपने डिस्कस करी है जो कि आपके पूरे देश में से किसी में से भी निकल सकती है। तो साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ में आज लास्ट डे है किस चीज का, टेस्ट सीरीज धमाका का। ओके, तो अगर गाइस आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपने जो प्रिपरेशन है उसको काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि देश के जो एजुकेशन के वीडियोस हैं वो भी ट्रेंड कर सके, अच्छे नंबर पे आ सके। और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा और इस तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जाने से पहले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करके जा रहा हूं, चलिए देखते हैं क्या है। पहला है नेशनल स्पोर्ट्स डे को लेकर, पहला स्पोर्ट्स डे है वो कौन से दिवस पे मनाया जाता है, 19, 29, 25, 10, कौन सा अगस्त है। अगला है कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य के अंदर है, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, आसाम। अगला है एसबीआई ने लॉन्च करी है यूनिफाइड पेमेंट ऑप्शन, उसका नाम आपको बताना है, मोबैड, मोपैड, मोडैड, मोएड, चार में से क्या है। आगे की तरफ चलते हैं, ओलंपिक 2028 कौन से देश में होने वाला है, ओलंपिक 2028 ये आपको बताना है, फ्रांस, कतर, लॉस एंजलिस, टोक्यो। जैकवारी डैम कौन से नदी पे बना हुआ है, कोयना, पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, स्वयं नाम का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है ये आपको बताना है, स्वयं प्रोजेक्ट। चलते आगे की तरफ, न्यू वीपी राज्यसभा के कौन सेलेक्ट करे गए हैं ये आपको बताना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या फिर डिप्टी चेयरमैन बोल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट तो यहां पे क्वेश्चन है एक्चुअली। यहां पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो डिप्टी चेयरमैन यहां पे यूज होना चाहिए तब जाके सही वर्ड होगा। एक्चुअली में वीपी जो है राज्यसभा के नहीं होते हैं, यहां पे अपन जो बात कर सकते हैं वो डिप्टी चेयरमैन की बात कर सकते हैं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के कौन सेलेक्ट करे गए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन आपको करने की जरूरत है। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया कौन सेलेक्ट करे गए हैं ये आपको बताना है। अगला सवाल है हाउ मेनी करोड़ रुपी विल बी गवर्नमेंट गिव डिविडेंड टू द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018। तो आरबीआई वित्त वर्ष 2018 के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए लाभांश प्रदान करेगा ये आपको बताना है। चलते आगे की तरफ, बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है, ओके ये आपको बताना है। तो गाइज ये आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो अपना टेस्ट सीरीज का आज लास्ट डे है तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके बहुत काम आएगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।